कोरोना से जूझ रही दुनिया के लिए बहुत अच्छी खबर है। ब्रिटेन में अगले महीने से कोरोना वायरस वैक्सीन को व्यापक पैमाने पर लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। ब्रिटेन का नेशनल हेल्थ सिस्टम क्रिसमस तक देश में 5 जगहों पर वैक्सीन लगाने की सुविधा देने जा रहा है। इसके लिए NHS के हजारों कर्मचारी इन जगहों पर तैनात किए जाएंगे। हर दिन कम से कम 10,000 लोगों को कोरोना का टीका लगाने की योजना है। ब्रिटिश अखबार द सन की रिपोर्ट के मुताबिक टीकाकरण के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण से सबसे ज्यादा खतरे का सामना कर रहे लोगों को सबसे पहले बुलाया जाएगा। कोरोना का टीका लगाने के लिए लीड्स, हल और लंदन में सेंटर बनाए जाएंगे। इन केंद्रों पर ट्रेनी नर्स और पैरामेडिक्स को तैनात किया जाएगा। इसके अलावा मोबाइल यूनिट को भी तैयार किया जाएगा जो जरूरतमंद लोगों और केयर होम तक जाएंगे। एक सूत्र ने कहा, हम पहले ट्रायल का रिजल्ट 1 महीने में पा जाएंगे। ऐसे में सबसे पहले टीका लगाने की शुरुआत क्रिसमस के पहले हो सकती है, लेकिन तैयारियां जारी है ताकि अगर वैक्सीन कारगर रहे तो टीका लगाने में देरी न हो पाए। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि कोरोना वायरस वैक्सीन को लगाने के दौरान सेना को तैनात किया जाएगा। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ऐसी योजनाएं बनाई जा रही है कि NHS और जवानों को साथ लाया जाए ताकि कोरोना वायरस वैक्सीन को लगाया जा सके। उन्होंने कहा कि वैक्सीन आशा की बड़ी किरण है। बता दें कि ब्रिटेन में वैक्सीन की रेस में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन सबसे आगे चल रही है। इस वैक्सीन के ट्रायल अप्रैल से ही जारी है। ऐसी आशा जताई जा रही है कि नियामक संस्था क्रिसमस से पहले इस वैक्सीन को अपनी मंजूरी दे देगी। ब्रिटेन की सरकार ने वैक्सीन को अनुमति मिलने से पहले ही 10 करोड़ डोज का ऑर्डर दे दिया है। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को एक इंसान को 2 बार लगाना होगा। इससे ब्रिटेन की सरकार की परेशानी और बढ़ गई है। प्रस्ताव में कहा गया है कि हेल्थ वर्कर्स के अलावा स्वास्थ्य सेवा से जुड़े अन्य डॉक्टरों की भी मदद वैक्सीन को लगाने में की जाएगी। केयर होम में रहने वाले लोगों के बाद 80 साल की उम्र से ज्यादा लोग और NHS स्टाफ को वैक्सीन लगाया जाएगा। इसके बाद 65 साल के लोग और फिर नौजवानों को यह टीका लगाया जाएगा। इस खबर के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। साथ ही कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले।